Hey guys, welcome to our channel SpMishra Tech. तो आज इस वीडियो पर हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर, कौन सा टीम जीत सकता है ये जो मैच होगा IPL 2021 का 31st मैच में। बताएंगे आपको हमारा पर्सनल प्रिडिक्शन और इसके साथ साथ पूरे के पूरे टीम एनालिसिस करके बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए, और हाँ, अगर चैनल पर न्यू है तो वेलकम है आप सबका। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करें, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में क्रिकेट का प्रिडिक्शन हर रोज देखने को मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों ही टीम का प्लेइंग 11 का बात करेंगे। पहले बात करेंगे दोस्तों आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे विराट कोहली, देवदत्त पेडिकल, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, एविडी विलियर्स, शहबाज अहमद, वायदो हसरंगा, काइल जेमिनसन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल। तो दोस्तों ये टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है इस बार, लेकिन यहाँ पर सबका एक ही मतलब सोच है कि टीम डेविड क्यों नहीं खेल रहे हैं, अगर टीम डेविड खेलेंगे तो किसके बदले खेलेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, वैसे ही आरसीबी का जो बैटिंग अटैक है बहुत अच्छा है, लेकिन और भी स्ट्रांग हो जाएगा बैटिंग अटैक अगर यहाँ पर टीम डेविड खेलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तीन ऑप्शन है टीम डेविड को खिलाने का। पहला है कि ग्लेन मैक्सवेल के बदले उन्हें खिलाओ, दूसरा है कि यहाँ पर हर्षरंगा के बदले उन्हें चांस मिले, या फिर तीसरा है कि काइल जेमिनसन के बदले उन्हें चांस मिले। लेकिन काइल जेमिनसन के बदले उन्हें चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो ग्राउंड है दोस्तों, ये मैच हो रहा है शेख जय स्टेडियम में, और यहाँ पर फास्ट बॉलर को बहुत ज्यादा मदद मिलता है। तो यहाँ पर फास्ट बॉलर में काइल जेमिनसन तो खेलेंगे ही दोस्तों। तो इसके बाद बाकी रह गए दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल और हर्षरंगा। तो दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल को तो हटाना थोड़ा सा मुश्किल है, और दूसरा बात यह है कि हर्षरंगा का जो अभी आरसीबी के टीम मैनेजमेंट के जो बातों में यही पता चलता है कि हर्षरंगा को भी यहां पर चांस मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर बहुत बड़ा मुश्किल है कि टीम डेविड को चांस मिले, और अगर मिलता है तो किसके बदले मिलेगा ये भी देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा दोस्तों। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, आपका फेवरेट प्लेइंग 11 आरसीबी के लिए क्या है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बात करेंगे दोस्तों अभी सेकंड टीम जो कि है केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर। तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे शुभमन गिल, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, सुनील नारायण, इयोन मोर्गान, आंद्रे रसल, दिनेश कार्तिक, पैट कमिंस, शिवम मावी, प्रसिद्ध कृष्णा और वरुण चक्रवर्ती। और यहां पर भी बहुत सारा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू द पिच कंडीशन। अभी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर ये दोनों ही टीम का हेड टू हेड। तो ये दोनों ही टीम के बीच में टोटल 28 मैचेस खेला गया है दोस्तों, जहां पर आरसीबी ने 13 मैचेस जीता है और यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर ने यहाँ पर 15 मैचेस जीता है दोस्तों। तो आप खुद ही देख सकते हो कि कोलकाता नाइट राइडर दो मैचेस का बढ़त ले रहा है दोस्तों, अगर बात करेंगे हेड टू हेड में। अभी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर पिच रिपोर्ट। तो ये मैच खेला जा रहा है शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो टोटल 53 मैचेस खेला गया है। फर्स्ट बैटिंग करने वाला टीम 26 मैचेस जीता है और सेकंड बैटिंग करने वाला टीम 27 मैचेस जीता है। तो यहाँ पर इतना कोई डिफरेंस है नहीं दोस्तों कि कोई फर्स्ट बैटिंग करेगा तो वो ज्यादा जीत गया, या फिर कोई सेकंड बैटिंग करेगा तो इसका जीतने का चांसेस हाई है, ऐसा कुछ है नहीं। सिर्फ एक ही मैचेस का बढ़त है और कोई भी मैचेस यहाँ पर टाई नहीं हुआ है। और बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर, तो यहाँ पर है 163। तो यहाँ पर जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करता है तो 163 एक बहुत अच्छा स्कोर आप बोल सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये एवरेज स्कोर है। तो अगर आप फर्स्ट बैटिंग करते हो तो आपको बड़ा स्कोर करने का भी चांस मिल जाता है। और यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों हाई स्कोर का, तो ये है दोस्तों 247। लो स्कोर यहाँ पर 70 रन हुआ है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों ये जो लोएस्ट स्कोर लिखा गया है उनके सामने जो 70 रन बनाया है दोस्तों वो आरसीबी ने बनाया है। तो इसीलिए आरसीबी के ऊपर थोड़ा सा तो प्रेशर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके पास बहुत अच्छा बैटिंग अटैक है, लेकिन बॉलिंग अटैक को भी ये स्ट्रॉन्ग करना चाहेगा अगर कोलकाता के अगेंस्ट में से जीतना है तो। और बात करेंगे दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न का, तो यहाँ पर बिलो 150 14 टाइम्स हुआ है, 150 से 169 17 टाइम्स हुआ है, 170 से 189 12 टाइम्स हुआ है, 190 प्लस 10 टाइम्स हुआ है दोस्तों। तो आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों कि 150 से लेके 170 तक यहाँ पर स्कोर बनने का चांसेस बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर 190 प्लस भी स्कोर बन सकता है, क्योंकि दोनों ही टीम का बैटिंग अटैक बहुत ही अच्छा है। अभी बात करेंगे दोस्तों इसी ग्राउंड पर हेड टू हेड, इसी ग्राउंड पर ये दोनों टीम के बीच में सिर्फ एक ही मैच खेला गया है जहां पर आरसीबी ने बाजी मार लिया था। तो इसी ग्राउंड पर तो फिलहाल आरसीबी अच्छा दिख ही रहा है अगर बात करेंगे कोलकाता के अगेंस्ट में। अभी बात करेंगे दोस्तों दोनों टीम का सिचुएशन, तो भाई सिचुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिचुएशन पता करने के लिए हमें चलना पड़ेगा पॉइंट्स टेबल के पास। तो भाई पॉइंट्स टेबल पर देखेंगे तो आरसीबी ने 7 मैचेस खेला है, 5 मैचेस जीत के 2 मैचेस हारा है, जबकि कोलकाता ने भी 7 मैचेस ही खेला है, 2 मैचेस जीत के 5 मैचेस हारा है। तो भाई ये तो पूरा उल्टा हो गया। अभी कोलकाता को अगर कंटिन्यू
जीतना है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही हारता रहा तो फिलहाल तो इस आईपीएल से वो विदा हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पर कोलकाता के ऊपर भी प्रेशर है, इसी ग्राउंड पर आरसीबी का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है तो इसीलिए आरसीबी के ऊपर भी प्रेशर है। तो मैच बहुत ज्यादा अच्छा देखने को आपको मिलने वाला है और बहुत ज्यादा कांटे का टक्कर तो यहाँ पर होने ही वाला है दोस्तों। तो देखिए सब कुछ तो मैं बता दिया हूँ, अभी बारी है हमारा पर्सनल प्रिडिक्शन का। तो भाई प्रिडिक्शन से पहले बता दूं, अगर आपको इस मैच का फिक्स रिपोर्ट चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, इस नंबर को आप सेव करिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन पर मैं लिंक कर दिया हूँ, आप जाके उनसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके फिक्स रिपोर्ट पा सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे कि इसी जो मैच होगा दोस्तों इसका अगर आपको ड्रीम इलेवन टीम चाहिए तो आप हमारा सेकंड चैनल पर जुड़ सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी इसका लिंक मैं दे दूंगा। अभी फाइनली बात करूंगा मेरा पर्सनल प्रिडिक्शन। तो देखिए दोस्तों ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है और यहाँ पर आपको जो भी टीम सही लगे आप उसके साथ जाना, यहाँ पर मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ जाइए बोल के, ये सिर्फ एक एनालिसिस है। तो दोस्तों दोनों टीम काफी स्ट्रांग है लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस मैच का विनर आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हो सकता है। बाकी आपको क्या लग रहा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। पूरे वीडियो वॉच की इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी